नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं आज इंडिया न्यूज। बजरंग पालिया गांव को अभी एक उच्च शिक्षित सरपंच मिला है। बड़ी कंपनियों के लाखों रुपए के पैकेज को छोड़कर इंजीनियर रवि सिंह चौहान राजा ने गांव वालों की सेवा का रास्ता चुना। आजादी के बाद पहली बार इस बजरंग पालिया गांव का कोई युवा पहली बार सरपंच बना है। सरपंच राजा के स्वागत में रैली भी निकली, जिसमें मतदाताओं ने उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया। रवि सिंह चौहान ने ग्रामीणों के बीच सरपंच पद की शपथ ली। बजरंग पालिया गांव के पंचायत भवन में अब पहली बार कोई इंजीनियर सरपंच की कुर्सी पर बैठेगा। पंचायत भवन में ग्रामीणों ने और रवि सिंह चौहान राजा भैया को चाहने वालों ने उनका स्वागत किया। ग्राम पंचायत बजरंग पालिया सरपंच रवि सिंह चौहान, उप सरपंच महेश नोएला, सचिव अशोक सोलंकी, लाखन चौधरी, विकास चौधरी, सुनील शर्मा, मुकेश शर्मा, अमर पटेल आदि मौजूद रहे। देखिए कितने शानदार तरीके से गांव वालों ने अपने इंजीनियर पढ़े लिखे सरपंच का स्वागत किया। रवि सिंह चौहान ने पूजा पाठ करके अपने पदभार को ग्रहण किया और सरपंच पद की शपथ ली। सरपंच रवि सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि वे हर गरीब का पक्का मकान बनवाना चाहते हैं, गांव की हर समस्या को दूर करेंगे। बजरंग पालिया पंचायत को पूरे देश में आदर्श गांव, आदर्श पंचायत बनवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है और मेरा मकसद यह था कि मेरा गांव उन्नति करे, विकास करे। यानी मैं नौकरी करता था बाहर, मैंने सोचा कि मेरे गांव का विकास होना चाहिए, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ के राजनीति में आया। मैं स्टार्टिंग में बूथ अध्यक्ष था, उसके बाद मैंने यानी सरपंच का चुनाव लड़ा तो जनता का पूरा पूरा सहयोग मिला। और मेरा मकसद यह है कि मेरा गाँव आदर्श गाँव बनना चाहिए और पूरे देश में मेरे गांव का नाम होना चाहिए। करेंगे आप गांव वालों के लिए? मेरी ये इच्छा है कि कोई भी गरीब परिवार का कच्चा मकान नहीं रहना चाहिए, हर गरीब को पक्का मकान मिलना चाहिए। चाहे जैसे गांव में बिजली की है, बाकी नील गाय है और अपना ये गंदा नाला है, ये फैक्ट्रियों का उसमें गंदा पानी आता है, उससे क्या है कि यानी वो जानवरों को भी नुकसान कर रहा है, आम आदमी को भी नुकसान कर रहा है और उससे यानी हेडपम्प बोरिंग का पानी भी यानी पीला हो रहा है उससे, तो उसके लिए निदान करना है। और स्कूल की बच्चियों के लिए यानी स्कूल को हमारा 12वीं तक करवाना है, अभी 8वीं तक है। बालिकाओं को काफ़ी समस्या आती है, यानी 5 किलोमीटर के दायरे में कोई हाई स्कूल नहीं है यहाँ पे, पढ़ नहीं पाते और माँ बाप इस कारण से उनका स्कूल छुड़वा देते हैं, तो यानी इसको यानी 12वीं तक करना है। सरपंच बनाया है हम गाँव वाले लोगों ने, बहुत बहुत सोच के बनाया है और ये इंजीनियर भी करता था, इनकी इंजीनियर छोड़ के राजनीति में लाया हुआ है और हमारा गांव का बहुत अच्छा विकास के और गंदा पानी भी है। स्कूल की जो है 8वीं तक है, 12वीं तक करना है, बच्चे को बहुत परेशानी आती है, इसीलिए हमने बच्चे को चुना है और बिल्कुल बहुत अच्छा लड़का है और काम जरूर करेगा बढ़िया बढ़िया। करवा सकते हैं हम इनका हाथ पकड़ के काम करवा सकते हैं, इतनी जनता ताकत रखती है। और हमारे गाँव का सरपंच कम से कम 50-60 साल के बीच में अब बना हुआ है, कभी कोई सरपंच की सुनी नहीं थी, कोई सरपंच हमारा गांव का बना,